हाँ भाई, मैं यहाँ से फतेहपुर गया और फतेहपुर जा कर के वहाँ पर साह पड़ता है तो एक 15-20 किलोमीटर, वहीं पर नज़दीक में गया और मैं फतेहपुर का ही रहने वाला हूँ। वहाँ गया तो फिर बाबा जी से मुलाकात करनी थी। वहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत दूर दूर से लोग बाग संपर्क करने के लिए आए हुए थे, क्योंकि बाबा जी को YouTube की जानकारी है, इसलिए बहुत दूर दूर से लोग बाग आ करके उनसे संपर्क करके अपनी परेशानियों का निदान करने हेतु उनसे मिले। और मिल करके बाबा जी आए 11:30 बजे, क्योंकि कुछ सावन का समय चल रहा था तो सावन में पूजा पाठ करके थोड़ा विलम्ब भी हो जाता। खा पी करके फिर दिन भर के लिए आए और सब उन्होंने अपना लोगों का सबका निदान किया, निदान नंबर से किया, ऐसे कि जो कोई पहले गया उसको पहले टोकन, जो बाद में गया उसको बाद में टोकन दे करके फिर अपने पास बुलाते हैं और बुला करके उनको वीडियो को देखते हैं और देख करके उनसे वार्ता करते हैं, वीडियो की क्वालिटी देखते हैं, क्वालिटी में जो निदान करना होता है वो बताते हैं, वो निदान के सब रास्ते सब जो कुछ उनसे हो सकता है उसका मार्गदर्शन दे करके लोगों को आगे बढ़ने के लिए रास्ता निकालते हैं। और सब लोग बहुत जाते हैं और लोगों को वहाँ जाने पर फ़ायदा भी हुआ है। कुछ लोग के वीडियो देखने से पता चलता है कि बाबा जी के बताने से बहुत ही लाभ है, इसलिए बाबा जी का स्कूल भी बहुत अच्छा बना हुआ है और उस स्कूल में सब बच्चे पढ़ते हैं और आते हैं, क्यों इसीलिए वहाँ पर रविवार के दिन ही ये कार्यक्रम चलता है और होता है। यही सब जो है ख़त्म, यही सब कार्यक्रम चलता रहता है। और वहाँ पर स्कूल की भी बहुत ही अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। बाबा जी से संपर्क करके फिर हम वहाँ से 4 बजे फुर्सत पाए, 4 बजे के बाद फिर हम अपने फतेहपुर राधा नगर वापस आ गए। वापस आने के बाद अपने घर पर खाना पीना खाए, खा करके फिर रेस्ट किए, क्योंकि वहाँ पर भाई अब गर्मी तो रहती है, कुछ देहात का एरिया है जिससे कि बिजली भी कम ही रहती है, इस वजह से